कोंडागांव जिले के स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ द्वारा कोविड टीकाकरण प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर आज 24 मार्च को फरसगांव में बीएमओ कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि अगर 5 दिन में इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएमएचओ कार्यालय का यह घेराव भी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ कोंडागांव के जिला अध्यक्ष ने बताया कि सर पूरे जिले में जो है बहुत बड़ी रकम है, पूरे शासन के गाइडलाइन के अनुसार वेरीफायर का राशि है, भोजन का राशि है, भीड़ प्रबंधन की राशि है, बहुत राशि प्राप्त हुई है शासन स्तर से जिला में, लेकिन उसको आज तक के कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। और जिस प्रकार से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जाकर पता लगाया गया तो वहाँ पर बोला जाता है कि हमने राशि 10 लाख रुपये पहले भेज दिया है सभी ब्लॉकों में, किसी ब्लॉक में 15 लाख रुपये भेज दिया है, किसी ब्लॉक में 8 लाख भेजा है, किसी ब्लॉक में 16 लाख भेजा है। इस प्रकार की जानकारी सीएमएचओ ऑफिस से दिया गया और आज यहाँ पर हमने फरसगांव के ब्लॉक में आकर के पता किया तो इस प्रकार की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई बोल के हमको दोनों तरफ से गुमराह किया जा रहा है। तो ये मेन मुद्दा है कि जिस प्रकार से कर्मचारी काम किए हैं इतनी राशि आई है, और हमारे आसपास के जितने भी जिला हैं, हमारे संभाग के कांकेर हो गए, नारायणपुर हो गए, जगदलपुर हो गए, सभी जगह कोविड की राशि सभी कर्मचारियों को प्राप्त हो चुकी है, सिर्फ हमारे कोंडागांव जिला को छोड़ के। तो इतनी शासन द्वारा इतनी राशि का गबन कहाँ पर हुआ, कहाँ किया गया, इसकी जानकारी भी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। हम इसके लिए बाध्य हैं हड़ताल करने के लिए, काम बंद करने के लिए, और आगे पुरजोर तरीके से हम पूरे कर्मचारी, पूरे संगठन, हमारे NHM के कर्मचारी संगठन, हमारे स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संगठन, हमारे RMA संघ के संगठन, सभी संगठन जितने भी हैं, हम CMHO ऑफिस का घेराव करेंगे जब तक कि हमारे कर्मचारियों की राशि प्राप्त नहीं होती है। मेरा नाम द्रुपद राज सेठिया है, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ। आज हम लोग BMO कार्यालय का घेराव किया है, क्योंकि इससे पूरा हम लोग कोविड का जो टीकाकरण का कार्य है बहुत ही अच्छा तरह से किया है, सबको 100% यहाँ पे हम लोग काम किया है, फरसगांव ही नहीं पूरे जिला में। और उस कोविड का जो कार्य करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए पैसा मानदेय प्रोत्साहन राशि आया हुआ था, 2 साल होने के पश्चात भी हमारे कर्मचारी लोग को वह प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मजबूरीवश आज हमको यहाँ पर कोंडागांव जिला के फरसगांव ब्लॉक में घेराव करना पड़ रहा है। और हम लोग का एक ये था कि हम लोग हर ब्लॉक में करेंगे, लेकिन अब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग को अब सीधा CMO ऑफिस घेराव करने के लिए बाध्य होंगे हम लोग। 30 मिनट फॉर न्यूज के लिए कोंडागांव से संवाददाता राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।